Hi students, today we are going to start a new story, Out of Business, which is written by R.K. Narayan and it is a story in the Tulip series class 10th of JK board. Okay, this is written by R.K. Narayan, who is an Indo-Anglian writer. It means a writer who is born in India and he writes in English. And this story is based on the theme, should we follow shortcut methods in life to solve our problems or not. Main theme of the story यही है कि हमें जीवन में shortcut method अपनाना चाहिए या कि नहीं. तो अब मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगी कि ये कहानी क्या है. ये एक person रामा राव की कहानी है जिसने कि सारा कुछ अपने business में खो दिया है. ही गोज हेयर एंड देयर टू गेट अ जॉब बट इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्स टू गेट अ जॉब. नाउ ही हैज़ ओनली अ लिटल मनी, जो कि वो भी थोड़ी देर के बाद सारी उसकी खर्च हो जाती है. उसका एक बंगलो है, वो भी उसने किराए पे दे दिया है और खुद कहाँ चले गए हैं, पुअर लोकेलिटी में. And this rent is the only source of their income. He tries very hard to get a job, but he fails. One day he goes to a library. और वहाँ पर जाके क्या करता है, उसको एक जर्नल मिलता है, उसमें क्या है, क्रॉसवर्ड पजल्स के बारे में दिया गया है. तो वो क्या करता है कि जो क्रॉसवर्ड पजल है वो जो जीतेगा उससे क्या, उसको 4,000 rupees का प्राइज़ दिया जाएगा. रामाराव इज टेम्प्टेड टू ट्राई हिज लक, तो ही हैज़ टू इन्वेस्ट 1 rupee टू सेंड हिज एंट्री. तो यो जो 1 rupee है वो कहाँ से लेता है, अपनी वाइफ से लेता है वो एंट्री सेंड करने के लिए. तो जब रिजल्ट आता है, रामा राव फेल्स टू विन एनी प्राइज. तो अब क्या करता है, वो फिर से कोशिश करता है अपने लक को आजमाने के लिए. तो फिर से वो एंट्री भेजता है तो फिर भी वो फेल हो जाता है. तो ये जो है सेम थिंग हैपन्स वीक आफ्टर वीक. और तो फिर इसके बाद क्या है, ही कीप सेंडिंग हिज एंट्रीज बट नेवर विन्स एनी प्राइज. तो इससे क्या हो गया है कि जो फैमिली है वो उनको और तंगी की हालत में आ गए हैं, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिला है. तो अब क्या है, वो अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है. ही जो सारा टाइम है वो किसको दे रहा है, कि वो ये सोचने में कि वह जो है क्रॉसवर्ड पजल के सोल्यूशन कैसे ढूंढे. तो अब उसकी वाइफ जो है शी फील्स वेरी डिस्टर्ब बट शी इज़ अ वेरी माइल्ड लेडी. शी डजंट वॉन्ट टू कर्ल विद हर हस्बैंड. शी हार्डली एवर प्रोटेक्ट्स. लेकिन एक बार क्या हुआ कि जर्नल जो था उसमें क्या था, 800 rupees का एक बहुत बड़ा प्राइस था. तो अब इस बार क्या हुआ कि रामा राव और कोशिश करता है, तो अब वह इस चांस को खोना नहीं चाहता है. अब क्या है, टू हिज माइंड देयर आर ओनली 4 doubtful आंसर इन द पजल. तो सो ही डिसाइड्स टू सेंड 4 entries दिस टाइम. हिज वाइफ इज शॉक्ड व्हेन ही डिमांड्स फ्रॉम हर 5 rupees टू सेंड द सॉल्यूशंस. But there is no way out for the poor lady. तो जो रिज़ल्ट था वो कहाँ, 1 week के बाद आना था. And he was anxiously waiting for the results. और he goes through the pages of the journal. Now जब उसने देखा there was no trace of any prize for him. रामा राव कांट बियर दिस शॉक. ही डिसाइड्स टू एंड हिज लाइफ ऑन द
रेलवे लाइन। उसने सोचा मैंने अपने जीवन को अब ख़त्म कर देना है। ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो क्या हुआ, रामा राव वॉक्स अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द टाउन, ही गोज अलॉन्ग द रेलवे लाइन। तो ट्रेन थोड़े समय में ही आने वाली थी, रामा राव पटरी पर लेट गए और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। वह कुछ समय तक वहाँ पर लेटे रहे, देन ही गेट्स अप एंड वॉक्स टू द रेलवे स्टेशन। तो देयर ही कम्स टू नोट दैट द ट्रेन हैज़ बीन हेल्ड अप ड्यू टू एन एक्सीडेंट। वहाँ उसको पता चला कि जो ट्रेन है वो रोक दी गई है, किसके लिए, क्योंकि वो कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो अब क्या था, अब रामा राव ने ये महसूस किया कि हाउ काइंड गॉड हैज़ बीन टू हिम। क्यों, क्योंकि वो बनना चाहता था। तो उस दिन क्या हुआ, बाय चांस भगवान की तरफ से ट्रेन ही नहीं आई। अगर ट्रेन इन टाइम होती तो वो मर जाते, लेकिन भगवान ने उस पर इतनी मदद की कि वो ट्रेन ही नहीं आई, वो घर वापस आया। तो घर वापस आया तो उस दिन रात को वो बहुत देर से घर में पहुँचे, तो हिज वाइफ इज़ वेटिंग एंक्शियसली एट द डोर। वो उसका इंतज़ार कर रही थी, तो उसने उसका शी गिव्स हिम अ वेरी वार्म वेलकम। तो शी टेक्स हिम इन एंड ब्रिंग्स फूड फॉर हिम। तो उसने उसको बताया, शी आल्सो टेल्स हिम दैट जो किराएदार हैं उनके बंगलों के, वो आज शाम को आया था और वो उनका बंगलो खरीदना चाहता है। और उसने ये भी बताया कि वह इसके लिए बहुत अधिक पैसा देने के लिए तैयार है। तो इससे जो है रामा राव को बहुत रिलीफ मिला और उसने कहा क्या कि अब उसने मन बना लिया कि वह कुछ पैसे ले लेगा और वह मद्रास चला जाएगा और वहाँ पे वह यूज़फुल जॉब जो है वो अपने लिए ढूंढेगा। और उसने ये भी कसम खाई कि वो अब दोबारा से क्रॉसवर्ड पज़ल में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि वो जो रामा राव है वो हर बात का जो है शॉर्टकट मेथड से वो उसका हल ढूंढना चाहते थे, जैसे कि वो पैसे क्रॉसवर्ड से जीतना चाहते थे और क्या, सभी मुसीबतों का एंड वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने चाहते थे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में शॉर्टकट मेथड्स नहीं अपनाने चाहिए और किसी भी चीज़ का हल जो है वो शॉर्टकट मेथड से नहीं ढूंढना चाहिए। ये आपका इसमें क्वेश्चन भी आएगा कि शॉर्टकट मेथड से हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आओ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले ग्लॉसरी करेंगे, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनहेरिट क्या, जो आपको किसी भी पैतृक संपत्ति जो किसी आपको बड़े से आपको मिली है। सिक्योरिटी क्या है, मनी होल्ड एज ए ग्रंटी, जब जो ग्रंटी के लिए पैसे दिए जाते हैं। क्रैश टू फेल, क्लैप्स फॉल डाउन, फाइनेंसर वन हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर बिजनेस, मेजर्स स्टेप्स, लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल, फ्यूटाइल ऑफ नो यूज, क्यू सिग्नल, कूप्ड अप कैप्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ अ नैरो स्पेस, रॉम्प टू प्ले नॉजिली अबाउट, एप्ट वेल सूटेड, पैसिफाई टू मेक काम, ऑकवर्ड शाय और क्लमसी, अफेक्टेड नॉट रियल, क्वाइल टू फील फेयर, डिस्पोजिशन नेचुरल करेक्टर, एल्ट्रोशियस वेरी बैड, स्पेकुलेट टू कंसिडर, सब्सटेंशियल लार्ज,
mob to be in a gloomy mood, loom to peer threateningly, extinction, death, rattle to make short trips, sounds, jubilant, triumphed, emphasis, stress. ठीक है, समझ आ गई. अब क्या हम करेंगे इसकी ग्लॉसरी क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रामाराव्स बिजनेस एंड हाउ डिड इट क्लैप्स. तो इसमें हम बताएंगे कि ग्राम उसका कौन सा बिजनेस था. वो अपना उसका कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, एज ए मालगुड़ी एजेंट करता था काम ग्रामोफोन कंपनी में. और उसके पास थोड़ा सा पैसा था, तो वो भी क्या था, उसने कंपनी ने सिक्योरिटी ले लिया था. फिर बाद में जो है कंपनी फेल हो गई और उसका पैसा भी जो था ख़त्म हो गया. तो अब क्या है, उसने जो कम पैसा था उसके लिए सिक्योरिटी के लिए दिया था, उसके लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था जो उसकी एप्लीकेशन को रिसीव कर सकता. और अब क्या था, उसको अपने आप पैसा उसका सारा ख़त्म हो गया और जो था वो जो था ऐसे लग रहा था कि उसने उसको अपने आप को लगा कि वह अब वो स्ट्रीट्स में आ गया है. तो जो बैंक था वो भी फेल हो गया और जो जिसने कि उस कंपनी को फाइनेंस किया था तो